पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने पलटी मारते हुए भारत से कपास और चीनी के आयात को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक समन्वय समिति के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया जिसमें भारत से कपास और चीनी के आयात पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि जब तक भारत कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली नहीं करता तब तक के लिए यह निर्णय टाल दिया गया है। बता दें कि ECC ने बुधवार को ही भारत से चीनी और कपास का आयात करने को अपनी मंजूरी दी थी। भारत से कपास मंगाने की कपड़ा उद्योग मांग कर रहा है। वहीं कट्टरपंथी इस बात के लिए इमरान सरकार की आलोचना कर रहे थे कि वो कश्मीर में बदलाव हुए बिना ही भारत के सामने झुक गए। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने साल 2016 में भारत से कॉटन और अन्य कृषि उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी की बढ़ती कीमतों और संकटों से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत के साथ व्यापार की फिर से शुरुआत करने को मंजूरी दी थी। दोनों देशों में तनावपूर्ण रिश्तों के बीच ये पाकिस्तान का भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में पहला बड़ा प्रयास माना जा रहा था। कपास की कमी के कारण पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग को भारी संकट से गुजरना पड़ रहा है। पाकिस्तान के कपड़ा मंत्रालय ने भारत से कपास के आयात पर लगे बैन को हटाने की सिफारिश की थी ताकि कच्चे माल की कमी को दूर किया जा सके। दरअसल कपास और यार्न की कमी के कारण पाकिस्तान को अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान से कपास का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भारत से कपास का आयात बहुत सस्ता बैठेगा और यह 3 से 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान पहुंच जाएगा। बाकी देशों से कपास धागे का आयात करना न केवल महंगा है बल्कि पाकिस्तान तक पहुंचने में 1 से 2 महीने का समय भी लगता है। इसी दबाव में इमरान खान सरकार ने पहले कपास के आयात को मंजूरी दी लेकिन जब कट्टरपंथियों और राजनीतिक दलों ने उन्हें घेरना शुरू किया तो उसे उन्होंने खारिज कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना है।